नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार 6 रोज से हो रही बारिश से पूरे बिहार के लोग बेघर। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली सहित राजधानी पटना के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना के कई इलाके में बारिश की पानी से लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है। पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, बोरी रोड, ऐतिहासिक गांधी मैदान में बारिश के पानी से लोगों को घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। वही स्कूली छात्र छात्राएं कई जगह पर फंसे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार ने स्कूल एवं कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश अनुसार एनडीआरएफ की टीम अस्पताल में डॉक्टर मौजूद एवं राहत सामग्री भी व्यवस्था की गई है। उधर वैशाली जिला गौरल प्रखंड के मुस्तफापुर हरशेर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ दलित समाज के लोगों का घर बाढ़ के चपेट में आ गया है। मुस्तफापुर हरशेर के जो लोग बाढ़ के पानी में पीड़ित हैं, वह नाम इस प्रकार से हैं: रामजी पासवान, शिव पासवान, नगीना महतो उफ लगरी शिवर पासवान जैसे लोग बाढ़ में पीड़ित परिवार लिज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन राहत सामग्री ही के लिए अभी तक किसी भी आला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट नहीं किया। उधर मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी उफान पर है। बताया जाता है कि गंगा का पानी खतरे के निशान में ऊपर बह रहा है। यह बारिश ने किया पूरे बिहार का हालत खराब। राजधानी पटना में हाई अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अभी भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है। इसे पटना से मोहम्मद अफरीदी के साथ कैमरामैन लकुश कुमार की एक खास रिपोर्ट।